Hello students, in the last video, we have studied generation of SSB-SC. Now, in this video, I will consider demodulation of SSB-SC signals, okay? So, यहाँ पर जो demodulation part है आपका, वो exactly same होगा जैसा आप लोगों ने DSB-SC में study किया था. That is, coherent detection और synchronous detection, okay? So, बिल्कुल same process है यहाँ पर. तो यहां पर अगर मैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करूं तो जो आपका इनकमिंग होगा जो इनपुट सिग्नल होगा वो आपका SSB-SC सिग्नल होगा ठीक है अगेन आप यहां पर मल्टीप्लायर और यू कैन से बैलेंस डीमॉड्यूलेटर का यूज करेंगे ठीक है और जो आपका सेकंड इनपुट होगा बैलेंस डीमॉड्यूलेटर का या मल्टीप्लायर का वो होगा आपका कैरियर सिग्नल AC cos ओमेगा CT क्लियर है पॉइंट एंड मल्टीप्लायर का जो आउटपुट है वो होगा आपका लो पास फिल्टर की जो रेंज है वो सेम होगी 0 टू FM FM क्या है आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल ओके तो आपका टारगेट यहां पर यही है कि सिर्फ मैसेज सिग्नल ही पास हो और कोई सिग्नल पास ना हो इसलिए आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या ली है यहां पर FM लो पास फिल्टर रेंज इज 0 टू FM क्लियर है पॉइंट अच्छे से नाउ अब अगर मैं यहां पर SSB-SC सिग्नल का स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसीडर करूं तो ST क्या था आपका ST था आपका AC/2 MT cos ओमेगा CT प्लस माइनस AC/2 M cap T sin ओमेगा CT ओके सो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया SSB-SC सिग्नल का ओके अब हमें इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को AC cos ओमेगा CT से मल्टीप्लाई करना है जिस आउटपुट को मैं नेम दे देता हूं S1T ओके तो जो आपका S1T है वो कितना हो जाएगा AC² / 2 ओके आगे आप देखिए MT cos² ओमेगा CT ओके सो MT cos² ओमेगा CT ओके प्लस माइनस अगेन AC² / 2 M cap T cos ओमेगा CT into sin ओमेगा CT ओके क्लियर है पॉइंट नाउ हमें पता है cos² थीटा क्या होता है आपका 1 + cos 2 थीटा / 2 तो ये हो जाएगा AC² / 4 MT 1 + cos 2 ओमेगा CT ओके प्लस माइनस AC² / 2 M cap T Now, sin theta into cos theta क्या होता है आपका? Sin 2 theta / 2. Okay, so यहाँ पर आप divided by 2 लिख दीजिए और ये कितना हो जाएगा आपका? Sin 2 omega CT. Okay, now जब आप low pass filter का output देखेंगे, तो low pass filter की जो range है, वो क्या है आपकी? 0 to FM. ठीक है? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस term की frequency कितनी है आपकी? देखिए ये आपका मैसेज है इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी FM ही होती है MT और M cap T दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी FM ही है इस टर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 2FC ठीक है यहां पर दो टर्म आपके टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई है तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ऐड एंड सबट्रैक्ट तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2FC + FM 2FC - FM ओके और हमें पता है कि FC इज मच ग्रेटर देन FM तो 2FC plus FM and 2FC minus FM दोनों ही टर्म लो पास फिल्टर से पास नहीं होंगे तो ये टर्म आपका रिजेक्ट हो गया सेम आप इसको देखिए AC² / 4 MT into cos 2 omega CT अगेन आपकी सेम फ्रीक्वेंसी है तो अगेन टर्म आपका रिजेक्ट हो गया सिर्फ और सिर्फ कौन सा टर्म पास होगा आपका ये 1 वाला AC² / 4 into MT तो आपका आंसर आ गया है AC² / 4 into MT ठीक है तो ये आपका आ गया आउटपुट जो आपको चाहिए था आपको आउटपुट में क्या चाहिए था मैसेज सिग्नल तो हमने रिकवर कर लिया है यहां पर मैसेज सिग्नल नाउ अब यहां पर हम लोगों ने कोहेरेंट डिटेक्शन का यूज किया है जो कि हम लोगों ने DSB-FC में भी किया था DSB-SC में भी किया था वहां हम लोगों ने एक केस का एनालिसिस किया था कि अगर आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर कैरियर दोनों अगर सेम ना हो तो क्या प्रॉब्लम होगी ठीक है ना हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया था कि अगर आपका रिसीवर कैरियर और ट्रांसमीटर कैरियर के बीच में अगर 5 फेज शिफ्ट है तो आपकी एक एरर आती थी जिसे हम कहते थे क्वाड्रेचर नल इफेक्ट तो सेम केस को हम लोग यहां भी एनालिसिस करने वाले हैं अभी तो आपका है केस 1
transmitter carrier is AC cos omega CT. Okay, this is your transmitter side carrier. And receiver carrier जो मैं ले रहा हूँ वो है आपका AC cos omega CT plus phi. Okay, तो मैंने transmitter और receiver carrier के बीच में phi phase shift ले लिया है आपका. Okay, इसकी meaning क्या है? जो आपका block diagram है यहाँ पर, वहाँ पर carrier क्या होगा? AC cos omega CT plus phi. Means ST में जो आपका multiplication होगा वो AC cos omega CT plus phi से होगा. Clear है point? तो जो आपका S1T यहां से जो क्रिएट होगा आपका वो कुछ इस तरह से हो जाएगा AC स्क्वायर by 2 MT cos omega CT into cos omega CT plus phi. Okay, plus minus. फिर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर by 2 M cap T sin omega CT into cos omega ct plus phi. Okay, तो अब अगर आप इन दो टर्म्स को ध्यान से समझें यहां पर, तो आप देखिए यहां पर पहले टर्म में फार्मूला लग जाएगा cos a cos b का, cos a plus b plus cos a minus b divided by 2, और दूसरे टर्म में जो आपका फार्मूला है वो आपका लग जाएगा sin a cos b का. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं आपके लिए दोनों फार्मूले पीछे लिख देता हूं. ठीक है, तो cos a cos b का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है cos a plus b plus cos a minus b divided by 2. ठीक है, तो 1 by 2 से हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ sin a cos b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1 by 2. ओके, और होता है आपका sin a plus b plus sin a minus b. ओके, सो ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं बेसिकली. ओके, सो यहां पर आप देखिए आपका s1t हो जाएगा ac स्क्वायर by 4 mt. ओके, cos a plus b cos 2 omega ct plus phi. ओके, plus cos a minus b. तो ओमेगा सीटी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ cos phi. ओके, यहां पर माइनस फाइव बचेगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है हमें पता है अच्छे से. नाउ प्लस माइनस एसी स्क्वायर बाई 4 एम कैप टी. ओके, अब क्या हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी मीन साइन 2 ओमेगा सी टी प्लस फाइव प्लस साइन ए माइनस बी. जब आप ए माइनस बी करेंगे तो ओमेगा सी टी कैंसिल होगा, बट यहां पर साइन ऑफ माइनस फाइव बच जाएगा. ओके, और साइन ऑफ माइनस थीटा हमें पता है साइन थीटा होता है, तो यहां पर माइनस साइन आपका सामने आ जाएगा. क्लियर है पॉइंट? नाउ अब अगर मैं लो पास फिल्टर को समझूं, यहां पर लो पास फिल्टर की रेंज क्या है आपकी? 0 to FM, मींस वो एफएम के ऊपर की सारी फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा. तो आप देखिए यहां पर जो आपका फाई है ना, इट इज अ कॉन्स्टेंट एंगल. जैसे अगर आप निकाले कॉस 30 तो कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, कॉस 60 कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी. ये जो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, एक कांस्टेंट एंगल है आपका. क्लियर है पॉइंट? तो इसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है. तो आप ध्यान से समझिए, ये जो आपका फर्स्ट टर्म है उस पे जो फ्रीक्वेंसी है mt into cos 2πfc means fm plus 2fc and 2fc minus fm. ओके, 2fc plus fm and 2fc minus fm. तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी fc से बहुत बड़ी होगी, हम लोग ऑलरेडी लास्ट पॉइंट में पढ़ चुके हैं इसे. तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा ये टर्म. Now, अगर आप इस टर्म को देखें cos phi वाले को, तो ac स्क्वायर by 4 into mt into cos phi. देखिए cos phi is a constant value, mt की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? fm है, तो ये पास हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये जो टर्म है आपका रिजेक्ट, ये वाला टर्म रिजेक्ट हो गया और ये वाला टर्म आपका क्या हो गया? पास हो गया. क्लियर है? आगे देखिए आप, अगेन m cap t into sin 2 omega ct, that means 2fc plus fm and 2fc minus fm. अगेन ये टर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा. नाउ आगे क्या है आपका? m cap t into sin phi. ठीक है ना, मीन sin phi तो आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, m cap t की फ्रीक्वेंसी क्या है? fm. दैट मींस ये टर्म भी आपका पास हो जाएगा. ओके, सो जो आपका आउटपुट होगा लो पास फिल्टर का वो हो जाएगा आपका, देखिए दो टर्म्स है आपके पास, एक टर्म है ac स्क्वायर by 4 into mt into cos phi, एंड सेकेंड टर्म है ए सी स्क्वायर बाई 4 एम कैप टी
into sine of minus 5. Okay, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, AC square by 4 MT cos 5. ओके, आपने साइन क्या लिया था, प्लस माइनस लिया था, इसे आप माइनस प्लस कर दीजिए, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और क्या आ जाएगा, AC square by 4 M cap T sin 5. ओके, अब आप देखिए, 5 डिफरेंस लेने से कैरियर में आपका जो आउटपुट आया है लो पास फिल्टर का, उसमें cos 5 वाला टर्म भी है, sin 5 वाला टर्म भी है. हमेशा सिर्फ और सिर्फ cos 5 वाला टर्म होता था जब आप लोगों ने dsb-fc और dsb-sc का एनालिसिस किया था. ठीक है, और यहां पर mt में भी सेम इंफॉर्मेशन है और m cap t में भी सेम इंफॉर्मेशन होती है. mt और m cap t में रिलेशन क्या है, सिर्फ 90 डिग्री फेज शिफ्ट का, और कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगे. आपके इंफॉर्मेशन दोनों में आपकी क्या होती है, सेम होती है. सपोज करिए वहां पर जो एरर आ रही थी वो phi equal to 90 डिग्री पर आती थी, तो मैं phi equal to 90 डिग्री ही ले रहा हूं. तो यहां पर देखिए phi equal to 90 डिग्री पर आउटपुट जो है cos 90 क्या होता है, 0 होता है. तो आउटपुट क्या बचेगा, माइनस प्लस ac square by 4 m cap t sin 90 क्या होता है, 1. तो देखिए आपको इंफॉर्मेशन m cap t यहां पर मिल रही है, आपका आउटपुट 0 नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पर क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं है. ठीक है ना, अगर आप एक बार और चेक करना चाहते हैं तो phi की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए. यही दो केस होते हैं जिसमें sin 90 जैसे आपका 1 होता है और cos 90 0 होता है, या sin 0 आपका 0 होता है और cos 0 क्या होता है, 1 होता है. तो 0 या 1 होने के यही दो केसेस हैं आपके पास. ओके, तो यहां पर आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, sin 0 क्या होता है आपका, 0 होता है ना. तो आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ac square by 4 mt, क्योंकि cos 0 आपका 1 होता है. तो आप देख लीजिए, चाहे आप phi की वैल्यू 90 पुट करिए चाहे 0 पुट करिए, दोनों ही केस में आपका आउटपुट प्रेजेंट होगा. दैट मींस जो बिगेस्ट एडवांटेज है आपका SSB-SC का, वो क्या है आपका, वो ये है कि देयर इज नो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, जो कि आपका DSB-SC में भी प्रेजेंट था और DSB-FC में भी प्रेजेंट था, लेकिन यहां पर प्रेजेंट नहीं है. यहां पर ये इफेक्ट आपका अब्सेंट होगा, देयर इज नो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट. ठीक है, और उसके अलावा अगर सेकेंड एडवांटेज की बात करूं तो बैंडविड्थ आपकी क्या हो गई, हाफ हो गई. ओके, और अगर थर्ड की बात करूं मैं एडवांटेज की, तो आपका पावर सेविंग आपने अचीव की है, ह्यूज पावर सेविंग हुई है आपकी, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट की है. ठीक है, तो ये होते हैं आपके एडवांटेजेस इन केस ऑफ SSB-SC. ओके, क्लियर है पॉइंट. बट इसकी एक लिमिटेशन हमने क्या पढ़ी है SSB-SC की, कि जो SSB-SC सिग्नल है इट इज ओनली यूज फॉर वॉइस और स्पीच सिग्नल. ओके, क्लियर है पॉइंट आपको. नाउ मैं जो आपको आज पढ़ाया हूं उसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. हम लोगों ने SSB-SC का डीमॉडुलेशन कंसीडर किया था. डीमॉडुलेशन जो है आपका वो कोहेरेंट और सिंक्रोनस डीमॉडुलेशन या डिटेक्शन ही होगा. तो हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया, हमारा आउटपुट बहुत इजीली आ गया. फिर हम लोगों ने ट्रांसमीटर और रिसीवर कैरियर के बीच में फाई का फेज डिफरेंस लिया और हम लोगों ने यहां देखा आउटपुट में कि देयर इज नो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट. ओके, तो यहां पर आपकी SSB-SC की पूरी थ्योरी फिनिश होती है. ओके, ये इसके कुछ मेन एडवांटेजेस हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, एंड इसके बाद से हम लोग VSB स्टार्ट करेंगे, वेस्टिजियल साइड बैंड. ओके, थैंक यू.